पंजाब में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव के साथ हर राजनीतिक दल अपना होमवर्क कर रहा है। पार्टियों द्वारा लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के मनोरंजक छिपकलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर पार्टी अपने घोषणा पत्र में जन कल्याण, भारत और पंजाब के विकास की बात कर रही है। दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और मतदाता भी अपनी मांगों के बारे में बात कर रहे हैं। इसी को लेकर आज जलंधर के पंजाब प्रेस क्लब में संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल के नेतृत्व में संत समाज व सामाजिक संस्थाओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल के अलावा संत समाज के अलावा और भी कई हस्तियां मौजूद रही। इस मौके पर संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि जब से पंजाब में देश आजाद हुआ है, जहां पानी का स्तर लगातार कम होता जा रहा है और प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन पर्यावरण की पूरी तरह सुधारने के बारे में किसी प्रकार की कोई सरकार विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अब जबकि पंजाब विधानसभा चुनाव एक बार फिर होने वाले हैं, अपने संगठन द्वारा पंजाब के आम लोगों की देखभाल की मांग है कि राजनीतिक दल पर्यावरण की देखभाल करते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र, अपनी कार्य योजनाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को पर्यावरण के मुद्दे पर प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इसमें आम आदमी का जीवन शामिल है। संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने अपनी मांगों में कहा कि धरती में लगातार नीचे जा रहे जल स्तर को किसी तरीके रोका जाना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए नदियां और जल स्रोतों में यह पानी सुरक्षित रह सके। प्रदूषण को रोकना चाहिए, वायु प्रदूषण को साफ रखना चाहिए, ताकि आम आदमी को स्वच्छ वातावरण मिल सके। शहर में प्रदूषण की समस्या का पूरी तरह से समाधान हो। वन क्षेत्र को 10% बढ़ाया जाए, ताकि वन और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सार्वजनिक जवाबदेही के एक स्वास्थ्य निकाय बनाया जाना चाहिए। संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टियां इस बारे में इन मुद्दों को जरूर उठाएंगे। देखिए जलंधर से देवराज के साथ सतीश कश्यप की रिपोर्ट। आज प्रेस क्लब जलंधर विखे सारे समूह समाज सेवी जथेबंदियां महापुरुष संत बाबा सेवा सिंह जी, महापुरुष जथेदार ज्ञानी केवल सिंह जी, सबका जथेदार अकाल तख्त साहब, महापुरुष बाबा बलबीर सिंह जी, सर सतनाम माणक जी, कान सिंह जी पन्नू, डॉक्टर निर्मल सिंह जी मालवा, बाबा सिंह जी, बाबा सुखवंत सिंह जी, महापुरुष सारे सारिया वालों के जड़िया 2022 इलेक्शन आ रही हैं, उन्होंने हर पोलीटिकल पार्टी एनवायरमेंट न मुख मुद्दा बनावे, जिदे एक पीपल ग्रीन मैनीफेस्टो जड़ा बनाया, जिदे वास्ते सारिया पोलीटिकल पार्टियां भेजिया। तो 20 तरीक न लुधियाणा के सारिया पोलीटिकल पार्टिया के नुमाइंदों बुलाया कि हर पोलीटिकल पार्टी जेकर उन्होंने सरकार लोग सत्ता देंदे है तो वह किस तरह वातावरण के प्रदूषण को घटाएंगे, जिहड़ा 1976 के एक्ट को लागू कराएंगे, 1981 के एक्ट को लागू कराएंगे, उहदे वास्ते सारिया पोलीटिकल पार्टियां की कमिटमेंट लई जाऊगी। तो सारे जिन्हें भी सारे पंजाब दे विच जिन्हें भी महापुरुष समाज सेवी जथेबंदियां ये सारे आवाज़ उठाएंगियां कि सानू सारिया पोलीटिकल पार्टियां एनवायरमेंट मुख मुद्दा बनाउन। ते असी बेनती करांगे सारे पंजाब दे लोगां नू, क्योंकि जेकर हवा पानी ते धरती बचणगे, क्योंकि सानू मौलिक अधिकार दिता भारत दे संविधान ने जीवन दा अधिकार, सो अज साडा जीवन दा अधिकार खोया जा रहा, साडी हवा शुद्ध नहीं, साडा पानी शुद्ध नहीं, साडी खुराक शुद्ध नहीं, ये सरकार दी ड्यूटी आ हर एक नू शुद्ध एनवायरमेंट देना, ते लोगों का अधिकार आ। सो हुण तिकर सरकारां फेल हो रही, जिहड़ियां सरकारां अगे राज कर चुकियां जिहड़ियां पार्टियां वो क्यों नहीं कर पाइया, तो जे हुण लोग उन्हां नूं सत्ता दिंदे वो किद्दां करनगे, वो किवें उन्हां कोल हुण जादू की छड़ी आजूगी, जिहड़े पोलीटिकल पार्टियां हजे आईया नहीं वो किस तरह ये एनवायरमेंट नूं साफ करनगे, उन्हां को की प्लैन आ, किन्ने किस तरह वो पैसे का प्रबंध करनगे, किस तरह इहनूं लागू कराउणगे, उहदे वास्ते लोग जिहड़े हैगे आ वो शुद्ध एनवायरमेंट मंगदे आ, तो मंगणगे तो पोलीटिकल पार्टियां उन्हां तो जवाब लिया जाऊगा। तो जिहड़े पोलीटिकल पार्टियां इस प्रति संजीदगी नाल दिखाउणगियां, उन्हां नूं असीं कहांगे कि सारे जिहड़े एनवायरमेंट नाल प्यार करन वाले लोग आ उन्हां नूं वोट पाउण, तां कि साडा वातावरण बच सके, जे वातावरण च बचूगा साडी सेहत बचूगी, सेहत बचूगी तो साडा विकास होगा, क्योंकि हवा पानी धरती जिहड़ी प्रदूषण करके असीं
ਬਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ।